धरती की एक कहावत है कि इन धरा पीण पानना केर कांटाला रूंख आके फोगे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और मैं लक्ष्मण यादव। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर बीकानेर ऊंट महोत्सव 2023 के बारे में बात करांगा। ऊंटांग प्रति समर्पित ऊंट त्योहार सजाया हुआ ऊंटांग एक अद्भुत परेड के सागे शुरू हुआ है। दोस्तों बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान सरकार बीकानेर के पर्यटन कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन है जिको ई समारोह को करो जावे। हर साल है जिको जनवरी के महीने के अंदर ओ उत्सव है जिको मनायो जावे। बार पर ऊंट द्रव्यमान में देखो जावे। बीकानेर ऊंट महोत्सव राज्य के सबसे रंगीन और जीवित त्योहारों में एक है। ये उत्सव पर कई प्रदर्शनी है जिकी दिखाई जावे है जिकी थे देखने लाग रहे हो और अलग अलग सेक्टर का जिका कलाकार है वे आपकी प्रदर्शनी है जिकी ई मेले के अंदर दिखाने के प्रयास करे है। इतने आज भी थे गबर घबराओ नहीं, मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं उस शरीर लौंडे से है जो मेरे रास्ते में चील की तरह घुर्राता रहता है। जब्बर सिंह ने दो ही बातें सीखी हैं, दुश्मन का नामो निशान मिटा देना और मौके का फायदा उठा लेना। दोस्तों बीकानेर ऊंट महोत्सव के अंदर राजस्थान के अलावा अन्य राज्य के लोग है जिका भी आपको प्रदर्शन दिखाने वास्ते ई मेले में पहुंचे है। जिके के अंदर पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हुआ है। ई ऊंट महोत्सव ने देखने वास्ते दुनिया भर का जिका पर्यटक है बे अठे देखने वास्ते पहुंचे है। ई उत्सव पर प्राणी गाड़ियां और बांग अंदर विराजमान जिका वीआईपी लोग है पे भी आपको प्रदर्शन है जिको ई मेले में दिखाने लाग रहे है। विदेशी पर्यटकों के अलावा राजस्थान की वेशभूषा के अंदर महिला व बच्चियां जिकी आपको प्रदर्शन है जिको दिखाने लाग रही है। तो आप कितने वर्षों से इस जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें कब से भाग ले रहे हो? हम मतलब ये प्रोग्राम में हाँ बहुत साल हो गए, 2009 से। तो यहाँ के आपको कैसा लगता है? अच्छा है। तो ये ऊँटों का आपके एरिया में तो ऊँट है ही नहीं, नहीं है। तो इस एरिया के जो ऊँट आप देखते हो तो आपको अब कैसा महसूस होता है जो ये एक वन्य मतलब खेती से संबंधित है, सब काम करता है ये पशु? यहाँ का खाना पीना, यहाँ का मतलब अरेंजमेंट बहुत, व्यवस्था बहुत अच्छी है और खासकर हमने ये नजारा देखा ऊँटों का, ये सबसे बढ़िया है। तो कश्मीर से आप कहाँ से हो? अनंतनाग। तो ये जो उत्सव चल रहा है कितने समय तक चलेगा आपको पता है? नहीं ये पता नहीं।
आ रहा हूँ बीकानेर से। तो यही उत्सव में भाग लेते हैं, कितने समय योगदान है? मैंने होगा मेरा पिताजी और सात पीढ़ी से काम। अच्छा, और जी को ले रखे है और घरों सीखा थे बजानो? मेरी वो खानदानी नंबर से खानदानी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरी खानदानी सात पीढ़ी से। थारो के नाम है? सुबह नाम सुबना भोरलाल है। अच्छा, भोपा। अच्छा अच्छा, इनका राउंड राउंड था है, सात पीढ़ी से चल रहा है। अच्छा अच्छा, और आज भी चल रहा है। टीम कटेगी धारी जसोल जसोल जिलाबाड़ में। जिलाबाड़ में तो यही उत्सव में भाग लेते हैं, कितना समय हो गया था ना? वादे सर ने कहे कैमल फेस्टिवल आव तो ने 7-8 साल में किया था। 7-8 साल हो गया तो थाने किया लगे है वो प्रोग्राम जी को है? वो देखो कैमल फेस्टिवल मने बहुत बढ़िया लगे और मने खुशी हो रही है कि बीएड कार्यक्रम में भाग लो। तो एक चीज और बताओ भी, ओ जी को उत्सव मनाया जावे है वो के उपलक्ष में मनाया जावे है? ये कैमल कैमल फेस्टिवल होता है और राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसको देखकर भी हमको खुशी होती है। तो इनकी एक जानकारी और भी रखो के इनकी शुरुआत है जी किया हुई? अन्य शुरुआत द पशु, हमारा जो पशु है ऊंट, उसके उपलक्ष में ये होता है ज्ञान कोई सर? जैसे पहले ऊँट रेगिस्तानों में नाचते थे, जैसे अब वो रखा गया है, पहले का डांस सब रखे गए, जो पहले हुआ करता था वो आज वापिस से किया जा रहा है। मजे में एकदम मजे में। अच्छा, उत्सव बढ़िया लग रहे होंगे? एक नंबर। अच्छा, स्कूल जाए कर रहे हैं? हाँ। पढ़े? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़े? सातवीं में के। अच्छा, तो यूथ सब आके तनखियाँ लागू ला रहे भाई? एक नंबर। एक नंबर। बठिंडा। बठिंडा। हाँ जी, आज जो प्रोग्राम चल रहा है पहली बार आए हो? किन्ने टाइम हो गए थोड़ा आंदे नु? साडे टूर लगते रहते हैं ये दिन। अच्छा, अभी जाते रहने? नहीं, तुसी पहली बार आए हो क्या? हां, हां, पहली बार आए। मैं दूसरी बार आई हूं। दूसरी बार आए हो? मैं दूसरी बार आई हूं। चलते बंदे आ रही है। क्या लगता है दोनों इतने आके? मुझे लगता है बढ़िया लगता है। थोड़े एरिया से तो ऊंट होते रही गए थे, तुसी नवे में काटी होती है तो सही प्रकट है। हां है ना। तुसी कैसा लगता है तुसी इतने आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितों आए हो? पटियाला तो। अच्छा अच्छा, पहली बार आए हो के? नहीं, पहली बार आए। ए एरिया कैसे लग गया थोड़ा? बीकानेर वाला बढ़िया लग गया। हाँ साहब, खड़ों बता रहे हो? हिमता सर गाँव। हिमता सर गाँव जट ऊँट फेस्टिवल होनो है। अच्छा अच्छा, राज सरपंच से। तो थे उत्सव के बारे में कोई जानकारी है तो बताओ। बहुत बढ़िया, उसमें जानकारी बांधते तो बढ़िया प्रोग्राम लागो। इन अपने
बीकानेर में तो सबसे बढ़िया कश्मीरी लोग आए, सब आए, लंगा लोग आए, सबसे बढ़िया प्रोग्राम लगा है मेरे को बीकानेर का, जो आने वाले टाइम में सबसे बढ़िया प्रोग्राम मुझे लगा है। और जी को ऊँट उत्सव मनाया जा रहा है, वो क्या उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ऊँट उत्सव तो गंगा सिंह की रियासत के टाइम से चल रहा है, आज का नहीं चल रहा है। अच्छा, गंगा सिंह टाइम से ऊँट उत्सव चल रहा है, लोगों की भावना है ऐसी ऊँट उत्सव चले, बढ़िया लगे, मनोभावना अच्छी हो, लोगों को मिलन हो, इसलिए ऊँट उत्सव। नहीं, एक और जैसे ये धरती है हमारी, इस धरती की एक कहावत है कि इन धरा पीण पानना केर कांटाला रूख आके भोगे छावड़ी अटहूंजा भागे भोग, यानी ऐसी धरती पे ये ऊँट कभी हमारा विकास का अंग रहा है, इसलिए ऊँट की प्रजाति बचाने के लिए और ऊँट पे कैसे सवारी की जाती है, कैसे वजन ढोया जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि आज आधुनिक तकनीकी के अंदर गाड़ियों का बोलबाला है, इसलिए ऊँट की जो हमारी प्रजाति है बीकानेर की खास करके, तो बीकानेर के ऊँटों के बारे में कहावत है कि ऊँट मिठाई स्त्री सोना गहना सहा पांच चीज पृथ्वी साजे वाह बीकाना वाह, वो ये हमारी बीकानेर की पहचान है, इसलिए ऊँट बीकानेरी नस्ल का जो है 15 दिन तीसरा रह सकता है और 15 दिन तक एक सवारी लेकर के सफर कर सकता है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया होगा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है।